हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टू स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास के कंप्यूटर सब्जैक्ट के तुहाडे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तुहानू पता है कि तुहाडा जिहड़ा कंप्यूटर का एग्जाम सैप्टेंबर एग्जाम होना है, उस दे विच तुहानू जिहड़े टू लोंग क्वेश्चन पूछे जाणगे फोर चैप्टर्स के विचों। ऑप्शन तुहाडे कोल होएगी, ये हुण टाइम जां तुहाडे एग्जाम पैटर्न जां एग्जाम पाउण वाले टीचर दे डिपेंड आ कि किस तरह वो ऑप्शन पा रहे हैं कि फोर के फोर क्वेश्चन देखे विचों टू करने कहिंदे ने जां टू क्वेश्चनस दे विच जां पा के क्वेश्चन की ऑप्शन देंदे ने तुहानू। सो इस वीडियो दे विच आपां करांगे जिहड़े तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग फोर चैप्टरस ने, फस्ट फोर चैप्टर, उस दे विचों लोंग क्वेश्चन आंसर। फस्ट क्वेश्चन है जी, तुहाडे कोल वर्ड प्रोसैसर की है की हन उन्हां दी वरतों बारे दसो। फस्ट ही चैप्टर दे विचों फस्ट क्वेश्चन है अपने कोल, वर्ड प्रोसैसर की हन उन्हां दी वरतों बारे दसो। फस्टली आपां दसांगे कि वर्ड प्रोसैसर हुंदा की आ, सैकेंड उन्हां दी वरतों जिहड़ी किस तरह की जाती है। सिक्स स्टैप्स ने, सिक्स दे सिक्स पॉइंट जे तुसीं लिखोगे तां वधिया, क्योंकि तुहानूं पता ही है जिहड़ा तुहाडा लोंग क्वेश्चन आ उह सिक्स मार्क्स दा। सो इसलिए जिहड़े तुहाडे सिक्स तुसीं लिख रहे हो पॉइंट तां वैल एंड गुड आ, बिकॉज सिक्स मार्क्स तुहानूं जे तुसीं लैणा चाहुंदे हो पूरे मार्क्स तां सिक्स पॉइंट आ जिहड़े जरूरी लिखने ने। सैकेंड क्वेश्चन है अपने कोल, एम एस वर्ड विच प्रूफिंग विकल्पां दा वर्णन करो। पहला प्रूफिंग दस्तावेज़ जिहड़े की काम करदे ने वो दस्या, उस तो बाद ऑटो करैक्ट, स्पैलिंग एंड ते ग्रामर टू इस दे सब पार्ट ने। ये हो गया अपने कोल एम एस वर्ड विच प्रूफिंग विकल्पां दा वर्णन। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सेल विच उपलब्ध पेज सैटअप अते प्रिंटिंग विकल्पां दी व्याख्या करो। मार्जन, ओरिएंटेशन, पेज दा आकार। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सेल विच केड़े फंक्शन हन, उदाहरण दे नाल किसी भी दो कारजां दी व्याख्या करो। एक्सेल दे विच पहला फंक्शन तुहानू पता होने चाहिए ने कि किन्ने फंक्शन ने जां उह केड़े फंक्शन ने। इत्थे अपने कोल 13 जिहड़े फंक्शन आ जिहड़े दित्ते ने एक्सेल विच काम करन वाले, एक्सेल विच जिहड़े फंक्शन होंदे ने। सो ये तुहानू नाम पता होने चाहिए ने, तिन्हां दे विचों किसी दो दे जिहड़े कारजां दी व्याख्या पुछी हुई है। सो ये फोर क्वेश्चन ने जिहड़े लोंग अपने कोल हैगे ने फस्ट चैप्टर दे। फस्ट चैप्टर दे लोंग क्वेश्चनस दे विचों जिहड़ा तुहाडा फस्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसैसर वाला, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने थोड़ा उत्ते ज़्यादा फोकस कर लियो। अदरवाइज जिहड़े फोर दे फोर क्वेश्चन ने उन्होंने एक बार लर्न जरूर कर लियो। नैक्सट चैप्टर सैकेंड है, उस दे विचों लोंग क्वेश्चन। फस्ट है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हन, उन्हां दी किस्मां लिखो। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हुंदियां ने फस्टली वह दसना, उस तो बाद उस दियां टाइप्स, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, उसके जिहड़े अगे सब पार्ट ने। नैक्सट है मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसका सब पार्ट स्विच स्टेटमेंट, जो कि किस दे सब पार्ट ने ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट दे। नैक्सट सैकेंड है अपने कोल लूपिंग स्टेटमेंट, जिस दे विच भी प्री टेस्ट लूपिंग ते पोस्ट टेस्ट लूपिंग टू उसके सब पार्ट ने, जिन्हां दे अंडर भी टू सब पार्ट प्री टेस्ट लूपिंग दे ने, फोर लूप ते वाइल लूप, ते पोस्ट टेस्ट दे लूप दे अंडर है डू वाइल लूप। ये अपने कोल है फस्ट क्वेश्चन दा आंसर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हन, उन्हां दीआं किस्मां, जिस दे विचों उसकी थर्ड टाइप है जिहड़ी की आ जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स तो बाद है जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिस दे अगे तीन प्रकार दे हुंदे ने, हो गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। फस्टली तुसीं दसना कि जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट की हुंदी आ ते उस दीआं जिहड़ियां किस्मां की ने। सो ये हो गया अपने कोल कंट्रोल स्टेटमेंट। नैक्सट क्वेश्चन है सैकेंड, स्विच स्टेटमेंट की है, स्विच स्टेटमेंट लई प्रोग्राम लिखो। इस दे विच एक प्रोग्राम की बनतर है जिहड़ी तुसीं कंप्लीट दसनी आ। फस्टली दसना कि स्विच स्टेटमेंट हुंदी की आ, नैक्सटली उसकी बनतर है जिहड़ी वो किस तरह है। ये हो गया अपने कोल सैकेंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि इतों तक है। नैक्सट है लूप्स की हन, लूप्स दियाँ वक् वक् श्रेणियाँ केड़ियाँ हैं। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लूप्स की हन, लूप्स दियाँ वक् वक् श्रेणियाँ केड़ियाँ हैं। प्री टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप। फस्टली दसना कि लूप्स हुंदा की आ,
नैक्सट लूज दी जिहड़ी किस्म ने उह की ने प्री टैसट लूप्स ते पोस्ट टैसट लूप। ये हो गया अपने कोल थर्ड क्वेश्चन दा आंसर जी। नैक्सट है अपने कोल क्वेश्चन फोर्थ, जंपिंग स्टेटमेंट्स की होंदियां हन, इन्हां दीआं किस्मां दा वर्णन करो। फर्स्टली दसना कि जंपिंग स्टेटमेंट्स है जिहड़ियां की होंदियां ने ते उन्हां दीआं जिहड़ियां अगे किस्मां ने उन्हां नूं एक्सप्लेन करना। हुण अपने कोल जिहड़े जंपिंग स्टेटमेंट्स हो गईआं ते नैक्सट जिहड़ा लूप्स वाला क्वेश्चन सी प्री टैसट लूप ते पोस्ट टैसट लूप, इसनों आपां कंट्रोल स्टेटमेंट्स दे अंडर भी करके आए हैं। सो जे तुसीं इहनां नूं लोंग क्वेश्चन दे विच लर्न कर दो तां उस क्वेश्चन दा आंसर भी जिहड़ा तुसीं ईजीली कर सकते हो, फस्ट क्वेश्चन दा आंसर सी जो। सो इसनों चंगी तरह कर लियो सारे। जे तुसीं फस्ट लोंग क्वेश्चन नूं चंगी तरह कर दो तां तुसीं इहनां दी जिहड़ी एक्सप्लेनेशन आ उह भी कर सकते हो नैक्सट क्वेश्चनस दी। इत्थे सारा अपने कोल फोर्थ क्वेश्चन दा ही आंसर है जंपिंग स्टेटमेंट्स वाले दा। ब्रेक स्टेटमेंट सैकेंड पार्ट है इसका। थर्ड है इस दे विच कंटिन्यू स्टेटमेंट। नैक्सट है अपने कोल क्वेश्चन डू वाइल लूप की है, ये वाइल तो किवें भिन्न है। डू वाइल लूप की हुंदा है ते वाइल अते डू वाइल लूप विच अंतर, दो क्वेश्चन इस दे विच अपने कवर हो रहे ने। वाइल ते डू वाइल लूप विच अंतर, ये एक प्री टैसट लूप है, ये एक पोस्ट टैसट लूप है। इस विच कंडीशनल सब तो पहला चैक हुंदी है, कंडीशन इस विच कंडीशन सब तो बाद विच टैसट हुंदी है। कंडीशन गलत होने ते एक बार भी नहीं चलती, कंडीशन गलत होने ते भी यह घट्टो घट एक बार चलती है। सो इन दे विच डिफरेंस है, थ्री थ्री पॉइंट्स ने। उस तो पहला डू वाइल वाइल लूप की हुंदी है वह दसना, तो उसकी बनतर दसी गई है। नैक्सट अपने कोल चैप्टर थर्ड स्टार्ट, जिस दे विच फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है अपने कोल नैटवर्क जंत्र की हैं, किसी भी तीन नैटवर्क जंत्रां दा वर्णन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि नैटवर्क जंत्र की हैं ते किसी भी तीन नैटवर्क जंत्रां दा वर्णन करना। फर्स्टली दसता कि नैटवर्क जंत्र की हुंदे हन, इस दे विच तीन नैटवर्क जंत्रां दा की अगे दस्या एक्सप्लेन किया। हब बारे, स्विच बारे, थर्ड है रिपीटर। नैक्सट क्वेश्चन अनगाइडेड मीडिया की हुंदा है, किसे दो मीडिया बारे लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया जो आपां फोर मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस दे विच भी किया। सो दोनों लिए प्रिपेयर होएगा तुहाडा, फोर मार्क्स वाले लिए भी ते सिक्स मार्क्स वाले लिए भी। अनगाइडेड मीडिया की हुंदा है, किसे दो मीडिया बारे लिखो। इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, टू जिहड़े अनगाइडेड मीडिया ने उन्हां बारे लिखे अगे। सेकेंड क्वेश्चन आंसर। नैक्सट है ट्विस्टड पेयर टेबल की है, इसके फायदे ते नुकसान बारे लिखो। ट्विस्टड पेयर टेबल की हुंदा है, केबल की हुंदी है ते इसके फायदे ते नुकसान है जिहड़े की ने। फर्स्टली आपां दस्सिआ कि ट्विस्टड पेयर केबल जिहड़ी की हुंदी है, जिस दीआं कि टू टाइप्स ने, अनशील्डिड ट्विस्टड पेयर केबल, शील्डिड ट्विस्टड पेयर केबल, जो कि नैक्सट उसके फायदे ने उसके बेनीफिट्स ने फाइव पॉइंट्स। नैक्सट लॉस उसके थ्री पॉइंट। नैक्सट है क्वेश्चन फाइबर ऑप्टिक केबल की है, इसके फायदे ते नुकसान बारे। फाइबर ऑप्टिक केबल की हुंदी है ते इसके फायदे ते नुकसान है जिहड़े की ने। फर्स्टली दसना कि फाइबर ऑप्टिक केबल की हुंदी है, उस तो बाद उसके बेनीफिट्स ते जिहड़े उसके डिसएडवांटेज ने वो दसने ने। यह अपना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है संचार मोड की है, इस दीआं किस्मां नूं परिभाषित करो। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संचार मोड किसी नैटवर्क नाल जुड़े दो जंत्रां विचकार डाटा जानकारी नूं तब्दील करन दी विधि नूं कहा जांदा है। फर्स्टली दसना कि संचार मोड की हुंदा है ते इस दीआं जिहड़ियां किस्मां ने, इस दीआं टाइप्स ने, उन्हां बारे दसना। सिंपलैक्स मोड फर्स्ट इस दी जिहड़ी टाइप आ, सिंपलैक्स मोड, हाफ डुपलैक्स मोड, फुल डुपलैक्स मोड, थ्री टाइप्स ने इस दीआं। उन्हां नूं फुली एक्सप्लेन करना थ्री दीआं थ्री टाइप्स नूं। यह हो गया अपने कोल फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। हाफ डुपलैक्स मोड ते फुल डुपलैक्स मोड उस दीआं टाइप्स की परिभाषा।
ਇਸੀ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IT ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਸਦੀ IT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਚੈਪਟਰਸ 4 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 6 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 6 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਜਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਕੁਐਸਚਨ 4th ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਆਉਣੀਆਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੇ ਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।